हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज हमेशा की तरह हम बात करेंगे एक लीगल मुद्दे पर। और ये लीगल मुद्दा जो है वो है सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन। तो आज हम जानेंगे जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, इसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए और ये सेक्शन 13 के अंतर्गत आने वाले डाइवोर्स से किस तरह से अलग होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी ऐसा कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। जुडिशियल सेपरेशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 10 में दिया गया है। दोस्तों, ये जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है जब पति और पत्नी कानूनन एक दूसरे से अलग रहें लेकिन वो डाइवोर्स की श्रेणी में ना आए। यानी कि जुडिशियल सेपरेशन में पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं और कानूनन इसके लिए डिग्री प्राप्त करते हैं, और डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये जो जुडिशियल सेपरेशन होता है ये डाइवोर्स से किस तरह से भिन्न है, इसमें दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो जुडिशियल सेपरेशन होता है ये टेम्परेरी होता है और जो डाइवोर्स होता है वो परमानेंट होता है। जुडिशियल सेपरेशन में हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ समय के बाद ये आभास होता है कि उन्हें साथ में रहना चाहिए तो वो किसी भी समय एक साथ रहना स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि डाइवोर्स में मैरिज परमानेंटली ख़त्म कर दी जाती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, कब पति या पत्नी में से कोई एक जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। यदि दोनों पक्षों पति या पत्नी में से किसी एक का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध स्थापित हो जाए तो ऐसे केस में दूसरा जो पक्ष है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल करने का अधिकारी हो जाता है। इसका जो दूसरा ग्राउंड है वो है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी दोस्तों मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। यदि पति अपनी पत्नी के साथ क्रुएल्टी करता है, मेंटली उसको परेशान कर रहा है या फिजिकली उसे परेशान कर रहा है, या फिर पत्नी अपने पति के साथ क्रुएल्टी कर रही है, तो ये भी आधार होता है जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल करने का। तीसरा जो इसमें आधार या ग्राउंड होता है वो ये होता है कि यदि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को छोड़ दिया हो। उदाहरण के तौर पर, यदि शादी करने के बाद जो पति है वो अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं चला गया और उसकी कोई खैर खबर नहीं ली, लेकिन जो ये अलग रहने का पीरियड है ये अवधि कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, तो ऐसे केस में जो पत्नी है वो जो जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन कोर्ट में फाइल करने की अधिकारिणी बन जाती है। इसके बाद जो चौथा ग्राउंड होता है वो ये होता है कि यदि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो भी ये जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए एक आधार होगा। पांचवा आधार जो होता है वो ये होता है कि दोनों में से कोई एक पागलपन की श्रेणी में आ गया हो, यानी कि उसको पागलपन के दौरे पड़ते हों या उसकी हरकतें या उसको कोई मानसिक बीमारी हो गई हो, मानसिक आघात लग गया हो, उसके साथ रहना संभव ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये भी जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन फाइल करने के लिए एक आधार बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी पक्ष को कोई कुष्ठ रोग हो गया है, कोढ़ का रोग हम जिसे कहते हैं वो हो गया है, तो ये भी जो है दूसरे पक्ष को जुडिशियल सेपरेशन फाइल करने के लिए आधार बनता है। जुडिशियल सेपरेशन के लिए नेक्स्ट ग्राउंड जो है वो है संक्रमित बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारी जो कि छूने से फैलती है। यदि दोनों पक्षों में से किसी को ऐसी बीमारी हो गई हो तो ये आधार बन जाता है कि जो दूसरा पक्ष है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। इसके अलावा यदि पति या पत्नी में से कोई एक 7 साल से लापता हो, 7 साल से उसके बारे में कुछ भी मालूम ना चला हो और ना ही उसके जानने वालों को उसकी कोई खैर खबर हो, तो ऐसे केस में जो भी दूसरा पक्ष होगा पति या पत्नी वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। इसके बाद जो अगला ग्राउंड हमारा बनता है जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो होता है संन्यास लेना। यदि दोनों में से किसी एक ने संन्यास ले लिया है, दुनिया को छोड़ दिया है, तो ऑब्वियसली फिर वो जो है अपने पति या पत्नी धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से ये भी एक आधार माना गया है जुडिशियल सेपरेशन का। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ ग्राउंड्स बताए, इन ग्राउंड्स के बेस में पति या पत्नी में से कोई भी पक्ष जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल करके कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेने के बाद ये जो डिग्री है ये आगे फ्यूचर में डाइवोर्स के लिए आधार हो सकती है? तो इसका आंसर है यस। अगर पति या पत्नी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के साथ अलग अलग रह रहे हैं तो बाद में वो इसी डिग्री को आधार बनाकर
इसी का ग्राउंड लेकर डाइवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेने के बाद दोनों पक्ष कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हों, तो उसके बाद डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है और फाइनल डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए।